बरेली के बड़ेही कोतवाली पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। रात में अवैध खनन की सूचना मिलने पर दरोगा के साथ भेजा महिला सिपाहियों को। बरेली के लोदीपुर में किच्चा नदी पर चल रहे अवैध खनन जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। दरअसल बरेली के बड़ेही कोतवाली क्षेत्र के लोदीपुर में पिछले कुछ दिनों से अवैध खनन चल रहा है जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को दी। काफी देर बाद इंस्पेक्टर बड़ेही ने कोतवाली के एक टीम बनाकर रात में लोदीपुर किच्चा नदी पर चल रहे अवैध खनन पर भेजा, लेकिन इंस्पेक्टर बड़ेही ने एक दरोगा गाड़ी के ड्राइवर साथ महिला सिपाहियों को भेज दिया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि नदी के पास चल रहे अवैध खनन पर कई बार गोली भी चल चुकी है। अगर दरोगा के साथ भेजना था तो पुरुष सिपाहियों को भेजना चाहिए था। अगर कोई घटना घटती तो उनका मुकाबला तो कर सकते थे, ये बेचारी महिला सिपाही क्या करेंगी। वहीं अवैध सामग्री पर पकड़े गए युवकों ने बताया कि जो ठेकेदार नदी से बालू निकलवा रहा है उसी का ठेका कोतवाली में एक ऑफिस बनाने का, जो कोतवाली के नाम पर अन्य जगह बालू को बेचता है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर दो युवकों को टेम्पो के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारा नहीं, नहीं मैं ये खनन जो हो रहा है आप लोग कर रहे हो, कब से कर रहे हो? जी सर मैं तो आज आया कल आया। जी सर किसके कहने पे कर रहे हो? दो चक्कर मिट्टी ले गया बस। मिट्टी या रेता? नहीं मिट्टी, मिट्टी एक ये और एक तू कह रहा पाँच दिन, इससे पहले कह रहा था पाँच दिन पहले। पाँच दिन से काम चल रहा है, काम करते थे हम पाँच दिन भी पड़ गया ना उन्हीं का, तो उन्होंने भेजा हमें लेने के लिए मिट्टी। किन ने भेजा? ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? मिट्टी। क्या नाम है ठेकेदार? अच्छा भाई नाम है उन्हीं भेजा तो हम आए। और थाने के नाम पे थाने क्या नहीं पड़ रही? तहसील में। हाँ कल गया था रेता, तहसील में गया था कल, फिर डाल गया था मैं नदी वाला। और कहाँ पर ले गए थे आप? प्राइवेट जगह कहाँ पर? और रोड पर और नगद की कहीं रोड पर? रोड पर ले गए थे। रोड पर कौन सी जगह? रोड पर चुके अब तो तीन, माधवपुर में और सेन नगर में। अच्छा माधवपुर में भी यहीं से गया सब? अच्छा ठीक है। दो ही दिन हुआ आज, कल और आज। सर इटावा दौरा में सुना जा रहा है कि खनन पकड़ा गया है और लोदीपुर से भी सूचना थी, पुलिस पहुंची थी सर पकड़ने के लिए, क्या सर? अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है कि वहां पर कुछ ट्रोली पकड़ी गई है, तो कल उनके कागजात देखे जाएंगे कि जहां पर उनको परमिशन मिली हुई थी जिस जमीन से खनन करने की, अगर परमिशन थी तो वहीं खनन कर रहे थे नहीं कर रहे थे, अगर वो वहाँ खनन नहीं कर रहे थे तो उनके खिलाफ हम पूरी विधिवत कार्रवाई करेंगे, और अगर अपने जहाँ से परमिशन है वहीं खनन कर रहे थे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये सुनने में आई है सर, जैसे गौशाला के यहाँ बनने की प्रक्रिया चल रही है तो गौशाला पर मिट्टी ना डाल करते उस निर्माण पर, कहीं और दूसरी जगह मिट्टी डाल? नहीं, ये तो पूर्णतः कानून का उल्लंघन है। जो परमिशन दी गई है वो खनन अधिकारी के यहाँ से दी जाती है, परमिशन जिस कार्य के लिए ली गई है उसका उसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ये दंडात्मक है और हम पूरी कठोर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी लोदीपुर में एक नदी किनारे अभी इसमें ये बताया गया कि जो थाने में काम करा रहा है ठेकेदार वो बाहर भी डाला, बाइट भी दी उन लोगों ने हमें जो वहाँ के काम थे खनन करने वाले, ये हमारी बाहर पड़ रही थी और थाने के नाम से, इस बारे में क्या करेंगे? बिना तथ्यों के आधार पर देखिए मैं कोई भी बात नहीं कह सकता आपको, अगर कुछ सबूत है गवाह है कोई कोई तथ्य हैं आपके पास तो वो सामने लेके आइए, तभी हम इस मामले में कुछ कहते हैं। आज एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ करके आई थी सर, तो उस पर नंबर ही नहीं, वो फिर एक अलग मामला बनता है, लेकिन हमारा क्योंकि खनन से संबंधित है तो अगर अवैध खनन है जहाँ परमिशन नहीं है तो उस पर वो कार्रवाई मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है, वहाँ मैं पूरी कार्रवाई करूँगा।